मेरी कटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हो जिधर कट भी मारा मैंने, दाढ़ी भी कर दी। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज, एक डेढ़ महीने पहले मैंने व्लॉग डाला था, वो भी एंगेजमेंट का, और आखिर में आपको मैंने बोला था कि मेरी दीदी की मतलब शादी की जो डेट है वो फिक्स हो चुकी है, वो डेट थी 22 मई। आज से 22 मई को सिर्फ 3 दिन बाकी है और मेरे घर पे शादी का प्रोग्राम चालू हो चुका है गाइज। मतलब आज से अपने तीन व्लॉग डालेंगे, उस पूरे शादी के व्लॉग डालने वाला हूँ, फुल एंजॉय करेंगे गाइज। तो अभी फिलहाल में मेरी कटिंग देखो यार, मतलब भाई मैंने कटिंग भी नहीं की है और शादी को सिर्फ 3 दिन बाकी है, तो मैं अभी जाने वाला हूँ कटिंग करने के लिए। उसके पहले भाई बाहर मंडप डेकोरेशन वाले आ चुके हैं, मतलब बाहर मंडप डालना चालू है और ऊपर लाइटिंग मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। चलो, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। कल लगेगा, कल मतलब पूरा फाइनल मंडप ओके हो जाएगा कल। तो कल तो भाई मेहंदी का प्रोग्राम ही होने वाला है, तो मैं भी मेहंदी निकालने वाला हूँ, उसका भी व्लॉग डालूं कटिंग करने के लिए। तो भाई चलो, अभी कटिंग करने के लिए दाढ़ी और कटिंग दोनों भी करेंगे वो। चलो देखो भाई, पूरा अंधार हो गया है, मैं कटिंग करने गया ही नहीं बस मैं कटिंग करने जाने वाला था, बट थोड़ा काम आ गया इसकी वजह से मैं नहीं जा पाया। और भाई अभी देखो रात के 8 बजे है भाई, 8 बजे तक मेरा काम ही चालू था, अभी काम हुआ। तो अभी इतने रात तक कटिंग करने नहीं जाऊंगा यार, अभी फिर मैंने सोचा कि चलो कल सुबह ही जाएंगे कटिंग करने के लिए। लाइटिंग लग चुकी है, बहुत ज़बरदस्त दिख रही है यार, चलो मैं आपको दिखा दूँ। लाइटिंग चालू थी ना, बंद किसने की वे, अबे यार चलो ऊपर जाना पड़ेगा अभी, लाइटिंग के बटन ही बंद थी वे इसकी वजह से चालू गए। देखो भाई क्या ही ज़बरदस्त दिख रही है भाई, ज़बरदस्त लाइटिंग दिख रही थी। ये लाइट का उजड़ फेस पे आ रहा है, देखो फेस कितना अच्छा दिख रहा है। लड़कियाँ कैसी फुट निकलती है हाथ में लाइटिंग लेके जबरदस्त सीन है। चलो लाइटिंग बंद कर देंगे भाई, के बाद मेरा तो आपको फेस भी नहीं दिख रहा, पूरा काला काला दिख रहा। कल जल्दी सुबह जल्दी उठेंगे और कटिंग करने जाएंगे, मतलब सुबह मैं 7 बजे कटिंग करने जाऊँगा, वह कि 7 बजे फिर जाएंगे अपन कटिंग करने के लिए। चलो तो गुड मॉर्निंग गाइस, मैंने आपको बोला था कि मैं सुबह कटिंग करने जाने वाला हूँ, तो चलो अभी अपन जाएंगे कटिंग करने के लिए, क्योंकि टाइम हो चुका है। अभी गाड़ी लेके जाएंगे कटिंग की दुकान, वहाँ पे जाके कटिंग करेंगे मस्त करके। चलो फिर तो अपन जा रहे हैं पैशन से, गाड़ी की स्पीड है लगभग 10। तो गाइस मुझे जहाँ कटिंग करना है वहाँ पे आ गया हूँ, बट मैंने देखा तो साला कटिंग का स्टोर ही बंद है, खतरनाक विषय हो गया देख सकते हो बंद ही है स्टोर। तो गाइस मैंने अभी भैया को कॉल किया था बस 10 मिनट के अंदर आ रहे, बोले चलो अपन जाएंगे ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ। फाइनली भैया आ चुके, अभी अपन करेंगे कटिंग मस्त हो। आप देख सकते हो जिधर कट भी मारा मैंने, दाढ़ी भी कट ली। तो चलो अभी फाइनली जाते हैं घर पे वापस, चलो अभी जाएंगे घर पे। फाइनली आ गया
गया हूँ घर पे, आप देख सकते हो मेरी न्यू हेयर स्टाइल, मज़ा आ गया यार। 2 घंटे बैठा हुआ मैं वहाँ पे, तो मैं घर पे आ गया हूँ और फिर फाइनली मैंने देखा तो घर के बाहर मंडप का डेकोरेशन का काम ही चालू। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, चलो बढ़िया। फाइनली मंडप डेकोरेशन काम चालू, मैंने आपको दिखाया, बस 10-15 मिनट के अंदर अपना, मतलब 10-15 मिनट सॉरी 1 घंटे के अंदर अपना काम हो जाएगा। 1 घंटे का मतलब बाहर का जितना भी मंडप है पूरा ओके हो जाएगा 1 घंटे के अंदर। चलो फिर मिलते हैं, अभी मैं थोड़ा नहा लेता हूँ क्योंकि पूरे बाल गिर चुके हैं बॉडी पे। मैं नहा धो के मस्त रेडी हो जाता हूँ, फिर मिलते गए। चलो बाय, नहा धो के हो गया रेडी, आप देख सकते हो। चलो गाइस फिर आज का ये ब्लॉग मैं इधर एंड करता हूँ। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, यार अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलो गाइस बाय बाय, और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट मेरे ब्लॉग में। और अभी तो फिलहाल मैं तो रेडी हो चुका हूँ, अभी थोड़ी देर के बाद मेहंदी का प्रोग्राम होने वाला है। मेहंदी का ब्लॉग में, अभी ब्लॉग में निकलूँगा, मिलते फिर मेहंदी के ब्लॉग में गाइस। चलो